तो तारीख हो गई है 22 और 22 नवंबर सुबह के बजे हैं 10:14 हो गई और अब हम निकल रहे हैं एक्सपो के लिए। दुबई एक्सपो जो मेन चीज़ है जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे, ये है हमारी 1 डे टिकट। तो हम लोग बस अभी निकल ही रहे हैं। आई थिंक जाने टाइम के लिए हम मे बी मेट्रो यूज़ करें, रिटर्न आने के लिए शायद बस। फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। नीचे जाके हम पहले रिसेप्शन एरिया में पूछ लेंगे कि भाई हमें यहाँ वहाँ जाना है तो कैसे जा सकते हैं। तो मैं भी आपको बता दूंगा जैसे मेरा फिक्स होगा। बाय। तो यहाँ पे बेसिकली आगे आगे आप लोगों का RT-PCR जो भी, सॉरी यार वो नहीं चेक होगा, लेकिन वैक्सीनेशन हो गया है वो चेक होगा। और मैंने एक्चुअली मैं फिज़िकल कॉपी होटल पे ही रख के आएगा, तो मेरे पास जो अपनी इंडिया की जो एप्लीकेशन है उसमें ही मैंने दिखा दिया, तो दे आर सेइंग ओके यू कैन गो। वो एप्लीकेशन में भी आप रख सकते हैं जिसमें हमारे सारे डेटा आ रहे हैं। उसका नाम है DigiLocker, DigiLocker, उसमें आप रख सकते हैं, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ओके थैंक यू। अब हमें यहाँ से शायद आगे जाने को मिलेगा। मेरा सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया है सो आई कैन वॉक, लेकिन राज का जो सिक्योरिटी चेक है उसमें थोड़ा कुछ इश्यू आया, क्योंकि बैग के अंदर उसने 360 कैमरा रखा था, तो दैट्स व्हाई मे बी इश्यू आया होगा, इसलिए वो चेक करवा के आ रहा है। आप देख रही है एंट्रेंस है, यहाँ से पूरा मैप भी दिख जाएगा आपको, इस जगह से है आपको मैप वगैरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अंदर जाइए और अगर आपको एक्सपो पासपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे होगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर आप एमिरेट्स से आ रहे हैं तो टर्मिनल ट्री पे आपको मिल जाएगा, लेकिन हम भूल गए थे लेना। ठंडा माहौल महसूस करोगे, एक्सेप्ट बाहर आपको ठंडी, बाहर आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, लेकिन इनसाइड व्हेन यू कम इनसाइड तो आपको एक ठंडी महसूस होगी। अगर आप दुबई आ रहे हो और एक्सपो में आ रहे हो तो प्लीज़ ये माइंड में रखिए कि आपको कम से कम जितना टाइम मिले उतना कम है एक्सपो के लिए। सो एक दिन में तो ख़त्म होगा नहीं एक्सपो। कुछ लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे, मैं जस्ट उन लोगों की इंस्टा स्टोरीज रील वगैरह देखता हूँ तो मेरे को पता चला है कि लाइक 30 दिन भी कम है अगर आप पूरा एक्सपो एक्सप्लोर करना चाहते हो तो। यार अपने हिसाब से टाइम निकाल के आइए, और है पैसे तो यहाँ पे आइए और एक्सप्लोर कर लीजिए। मंथली पास भी आई थिंक अवेलेबल होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी थोड़ी दूर में अंदर से मुझे जो मैप की व्यू दी है उसमें सब लिखा रहता है क्या पर डे का। अगर आपको 1 डे पास है तो 95 दिरहम का है,
इतना मेरे को पता है, मुझे फ्री में मिला है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग विद एमिरेट्स। अगर आप एमिरेट्स से बुक करते हो तो आपको एक्सपो की टिकट्स वन डे की फ्री मिलती है। तो आई विश आप उसमें ही ट्रैवल करें और अपनी ट्रिप सक्सेसफुल बनाए, और अभी एक्सपो के जो व्यूज वगैरह है वो एंजॉय कीजिए, आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ ले सकते हैं, यानी मोस्ट प्रोबेबली चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। ये पोस्ट कार्ड है, तो ये भी शायद आप रख सकते हैं। व्हाट अबाउट द पोस्ट कार्ड? व्हाट अबाउट द पोस्ट कार्ड? 69 फॉर वन। ओके, सो लाइक यहाँ से हमने ये एक्सपो का जो पासपोर्ट है वो ले लिया है। इट्स लुक्स ऑसम, और आप भी ले सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। ये कुछ मोहतरमा बोल रही है। यहाँ से आप जो पीछे से स्ट्रेट आएंगे उसके बाद ये इसके एग्जैक्टली सामने ये शॉप है, ऑफिशियल स्टोर, इसमें से आप परचेस कर सकते हैं ये पासपोर्ट। और पासपोर्ट की क्वालिटी भी, यानी पैसे लिए उतने अच्छी है, आप देख सकते हैं। लाइक आपकी फ़ोटोज़ लगेगी, फिर यहाँ पे जितने पैवेलियन आप ट्रैवल करोगे वो उतने स्टैंप लगेंगे। ये एक्सपो 2020, क्योंकि ये लास्ट ईयर होना था, ड्यू टू COVID-19 ये से पोस्टपोन करना पड़ा। इसे पोस्टपोन किए करके 2021 में इन लोगों ने किया, लेकिन चलना बहुत लंबा है। तो भाई साहब, ये जो चीज इन्होंने बनाई वो जबरदस्त है, मेरे को तो बुरा नहीं यही रहना है। लेकिन जो हमने पासपोर्ट लिया उसको भी यूज करना है। देख सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ पीपल। ओह माय गॉड, माय गॉड, हम यहाँ पे वापस बैठे हैं क्योंकि थोड़े बहुत वीडियोस नहीं आए हैं, इसलिए वापस हम बैठे हैं सब कुछ निकाल के। सब लोग वेट में हैं कि कब स्टार्ट हो और वो लोग जाए और फोटो खींचे। पैवेलियन की ओर शायद एक ही में तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलिए देख।
देखेंगे जितने कवर हो सके उतने पैवेलियन हम कवर कर देंगे। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं। गुजराती मूवी है, चल मन जीतवा जी, ये भी गुजराती है।